लेजीनेस क्या है? व्यक्तियों में लेजीनेस के सामान्य लक्षण क्या हैं? क्या लेजीनेस को आत्मविनाश का एक रूप माना जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? क्या कुछ सिचुएशंस में लेजीनेस के कोई लाभ या पॉजिटिव इफेक्ट हैं? लेजीनेस पर्सनल रिलेशनशिप्स को कैसे इफेक्ट करता है? यदि आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो बने रहे। इस मोटिवेशनल स्टोरी के थ्रू इन क्वेश्चंस का आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक समय की बात है, पहाड़ों के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में कवि नाम का एक युवा साधु रहता था। कवि अपने दयालु हृदय, विनम्र स्वभाव और बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। गांव में सभी लोग उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। हालांकि कवि के चरित्र में एक दोष था जो उनके साथी भिक्षुओं को परेशान करता था। वह लगातार आलस्य की भावना से ग्रस्त थे। हालांकि वह लगन से अपने दैनिक ध्यान में भाग लेते थे और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे, फिर भी वे अक्सर खुद को शारीरिक कार्य में संलग्न होने या मठ के आसपास अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरणा जुटाने में असमर्थ पाते थे। एक धूप भरी सुबह जब कवि एक बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे, उनकी आंखें आधी बंद थी। भंते नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु उनके पास आया। भंते अपने गहन ज्ञान और मनोरम कहानियों के माध्यम से मूल्यवान शिक्षा प्रदान करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। भंते ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए एक कहानी है, एक कहानी जो आलस्य की प्रकृति पर प्रकाश डाल सकती है। कवि एक मूल्यवान सबक सीखने की संभावना से उत्सुक होकर बैठ गया। भंते ने अपनी कहानी शुरू की। एक दूर के राज्य में राज नाम का एक युवक रहता था। कवि, तुम्हारी तरह राज को भी आत्मज्ञान प्राप्त करने की उत्कट इच्छा थी। वह एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु से मिलने के लिए यात्रा पर निकला जो एक गुफा में रहता था। महीनों की कठिन यात्रा के बाद राज आखिरकार पहाड़ की तलहटी पर पहुंच गया। वह विस्मय में खड़ा था, गुफा की ओर जाने वाले खड़ी रास्ते को देख रहा था। दृढ़ संकल्पित होकर राज ने कदम दर कदम चढ़ना शुरू कर दिया। उसका दिल प्रत्याशा से भर गया, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता गया, राज का उत्साह कम हो गया। वह थक गया और उसके पैर भारी हो गए। उसके मन में संदेह घर कर गया। उसे फुसफुसाहट हुई कि शायद वह इतनी कठिन यात्रा के लिए नहीं बना है। थककर राज एक रॉक पर बैठ गया, विचार करने लगा कि क्या हार माननी चाहिए। जैसे ही राज अपनी थकावट से उबरने वाला था, उसने हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनी। उत्सुकतावश उसने अपनी नजर घुमाई और देखा कि एक गिलहरी बिना थके पेड़ों से ऊपर नीचे दौड़ रही है, बलूत के फल इकट्ठा कर रही है और उन्हें सर्दियों के लिए जमा कर रही है। इस दृश्य ने राज को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह प्राणी की अटूट ऊर्जा और परिश्रम पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। गिलहरी के अटूट दृढ़ संकल्प से चकित होकर राज को नई प्रेरणा मिली। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई, खड़ा हुआ और कदम दर कदम अपनी चढ़ाई जारी रखी, अपने लक्ष्य से कभी नहीं चुका। भंते एक पल के लिए रुके, जिससे कहानी कवि के दिमाग में बैठ गई। फिर उन्होंने आगे कहा, कवि, राज की तरह आप में भी आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक विकास का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है। आलस्य आपकी यात्रा में एक बड़ी बाधा बन सकता है। आलस्य घने कोहरे की तरह है जो हमारे दिमाग पर छा जाता है और सच्चाई पर पर्दा डाल देता है। यह हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने से रोकता है। कहानी में गिलहरी अटूट प्रयास का प्रतीक है जो हमें याद दिलाती है कि परिश्रम और दृढ़ता के माध्यम से ही हम इससे उबर सकते हैं, आलस्य। कवि ने सिर हिलाया, उसकी आंखें नई समझ से भर गईं। उन्होंने ज्ञानवर्धक कहानी के लिए भंते को धन्यवाद दिया और नए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ अपने आलस्य का सामना करने का वादा किया। उस दिन के बाद से कवि ने खुद को न केवल आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए बल्कि मठ के आसपास के भौतिक कार्यों के लिए भी समर्पित कर दिया। राज और गिलहरी की कहानी से प्रेरित होकर उन्होंने सीखा कि सच्चा विकास आलस्य को पार करने और अनुशासित कार्रवाई का मार्ग अपनाने से होता है, और ऐसा करते हुए वह दूसरों के अनुसरण के लिए एक चमकदार उदाहरण बन गए। उन्होंने अटूट समर्पण और जीवन के प्रति उत्साह के साथ बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया।